पेड़े बनाओ, इन पेड़ों को घुमाओ, कढ़ाई में पकाओ और फीनी तैयार। कहना आसान लेकिन मरहला बहुत मुश्किल। बड़ी मुश्किल है, इसके अंदर सब कारीगरों की मेहनत लगती है। इसका फिर पहले मैदा गुनना पड़ता है, फिर इसकी खिंचाई होती है। खिंचाई के बाद ना इसके पेड़े एक एक अलग अलग तरीके से जैसे बनते हैं ना, वो लेके आते हैं ट्रेलों के अंदर। फिर इसकी तलाई होती है अलग से। फिर तलाई होने के बाद इसको आराम से जमाया जाता है। फिर जमाने के बाद ना ये छब्बों में लगाते हैं। फिर इसको आराम से जैसे मार्केट के अंदर बेचने के लिए सेल करते हैं। कहा जाता है कि फेनी रमजानुल मुबारक की सौगात के साथ रोजेदारों में तवानाई भी पैदा करती है, क्योंकि रमजान का एक सौगात भी है, ईद की खुशी भी है। और इसके रमजान के हाथ आते ही ये फेनी शुरू हो जाती है। और इसके खाने में जायका है, दूध वाली हल्की है, टेस्ट भी है इसके। कारीगर कहते हैं फीनी खाने की टेबल पर अच्छी लगती है, लेकिन फीनी को सुलगती आग की कढ़ाई में पकाना, पेड़े बनाना बहुत कठिन मरहला होता है। माह रमजान के मुकद्दस महीने में जहां पर फल फ्रूट की खरीदारी होती है, वहीं पर मेहनत और मुशक्कत से बनी फीनी के बगैर भी सहरी अधूरी होती है।